हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ गज्जक। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, तो आप देखते रहें। तो मैंने लिए गज्जक और मैं इसको पीसूंगी। अब पीस के फिर दिखाती हूँ आपको। इसमें जो ऐड करनी में चीज़ें हैं वो ड्राई फ्रूट्स लिए मैं इसमें, बादाम, काजू और पिस्ता। आपकी मर्ज़ी कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करें इसके अंदर आप, लेकिन मैं इसमें बादाम, काजू और पिस्ता ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखें, ये देखें नाज़रीन, मैंने इसको किया है, इसको थोड़ा बहुत पीसा है। ये थोड़ा बहुत मोटा रह गया है, लेकिन मैं इसको जब डालूँगी इसमें कलर करने के लिए, इसको शक्कर बनाने के लिए, तो फिर खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ये देखें, अब मैं पैन में ऑयल लेती हूँ, उसमें इसको डालती हूँ। पैन में ऑयल, सॉरी ऑयल नहीं, पैन में मैं वो लेती हूँ, इसमें पैन में डालती हूँ। ये देखिए, इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी। गुड़ को मैं हल्का सा गर्म करूँगी, फिर इसमें वाटर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, इसको मैं इसमें वाटर डाल ऐड करूँगी जी। इसमें मैं अब आधा कप वाटर ऐड करूँगी इसके अंदर, आधा कप वाटर ऐड करूँगी ताकि ये इसको अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट डाल के पहले थोड़ा ड्राई फ्रूट रोस्ट करूँगी मैं, ताकि पहले अच्छे से रोस्ट हो जाए, फिर मैं इसको उसमें ऐड करूँगी। इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है बस। मैंने जी ना इसको हल्का रोस्ट कर लिए, ताकि इसका टेस्ट जब भी डायरेक्ट गुड़ के अंदर ले तो उसका तो थोड़ा सा टेस्ट का चेंज हो ज़रा। तो उसको मैंने हल्का रोस्ट कर दिया। अब इसको मैं इसमें डालूंगी बाउल में। इसको आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए ना, मैं इसको अच्छी तरह हिलाती रहूँगी जब तक इसका असल कलर ना आ जाए। ये अच्छा असर कर आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसको अच्छी तरह हिलाऊंगी और इसको हिलाते रहना है। इसको मैंने तकरीबन तकरीबन लो मीडियम में रखा हुआ है, और उसको हिलाती रहूंगी। और ये नीचे लगने का भी इसका खतरा होता है कि नीचे ना लगे इसका। ये देखें, ये गुड़ बिल्कुल अंदर घुल गई इसके। ये देखें, इसको मैं और अच्छी तरह बनाऊंगी। ये बिल्कुल गुड़ इसके अंदर घुल गई है। ये देखें, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसको 2 मिनट तक खाऊंगी इसको अच्छी तरह, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ट्रे लिया, उसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। ये देखें, अब मैं ब्रश की मदद से इसमें ऑयल का डाल कर लगा दूंगी पूरा। ये नहीं है कि आपने बटर पे बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देना है, तो आपने बस ऊपर ग्रीस करना है बटर ऑयल ऑयल को, बटर पेपर पे बस थोड़ा सा ग्रीस करना है, ज़्यादा नहीं डालना आपने ऑयल। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, इतनी मज़े की है, ये इतनी थिकनेस इसकी आती है। अब हमने इसमें पूरा फैला देना इसमें इसको। फ़ौरन छुरी की मदद से कटिंग किसी कलर नहीं पीस कर लेने हैं आप। यह छोटे पीस भी कर सकते हैं, बड़े पीस भी कर सकते हैं इसके। ये देखें, अभी मैं कंदी की है मैंने, लेकिन अभी हुआ नहीं, अब इसको और टाइम लगेगा थोड़ा सा होने में। नाज़रीन, गजक रेडी हो चुकी है, मेरी गजक रेडी हो चुकी है। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा नरम रखा हुआ है, ताकि ये बच्चे और ये जो है बूढ़े लोग जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो वो अच्छे से चबा सके, उनके दांतों में मसला ना है। तो इसको, लेकिन आपने इसको टाइम लगेगा भी सूखने ड्राई होने में, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह ड्राई करके फिर खाना है आपने, तो इसलिए मैंने मैंने ये हिस्सा नरम रखा हुआ है गजक का, ताकि बच्चे आराम से खा लें और बड़े भी आराम से खा लें। तो ये गजक रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप।
इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।